नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलों से संबंधित शानदार ट्रिक को लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान की जो भी ऑल ऑल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बात करें ज्वाइन आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ, तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ है कि ट्रिक हो जाएगी लू बच्चे। लू बच्चे राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली नदियां हैं। लू का अर्थ होता है लूनी और ब का अर्थ हो जाएगा बनास से, यानी च यानी चंबल हो जाएगा। लू बच्चे, लू का अर्थ होता है लूनी, ब बनास और च यानी चंबल हो जाएगा। लूनी, बनास और चंबल राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली नदियों की ट्रिक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, तो राजस्थान की खारे पानी की झीलों की ट्रिक हो जाएगी कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू। क्या हो जाएगा? कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू। कु का अर्थ होता है कुचामन नागौर हो जाएगा, ता का हो जाएगा तालचा पर शुरू हो जाएगा, और फाड़े फा का फलोदी जोधपुर हो जाएगा, डे का डेगाना नागौर हो जाएगा, सा सांबर जयपुर हो जाएगा, और छा डी डी का अर्थ होगा डीडवाना नागौर, और काबोध साड़ी का पल्लू का यानी काबो जैसलमेर हो जाएगा, और प पचपदरा बाड़मेर हो जाएगा, और लू लुणकसर बीकानेर हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान की मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक हो जाएगी कि उस आबारा सांप ने फूफा जी का पैर डसा, उस अबारा सांप ने फूफा जी का पैर डसा। उच्च तो उसका उदय सागर उदयपुर, आबारा आकार होता है अनासागर अजमेर, बालसमंद जोधपुर, और राजसमंद कांकरोली। और उसके बाद में उस अबारा सांप सांप का अर्थ होता है सिली सेड अलवर हो जाएगा, प पुचकर अजमेर हो जाएगा, सांप प ने ने यानी नक्की झील जो कि सिरोही के अंदर कहते हैं, फूपा फू फू का अर्थ होता है फतेह सागर उदयपुर, फा फाय सागर अजमेर हो जाएगा, फूपा जी जी का हो जाएगा जयसमंद उदयपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा है और फूफा जी का नी कोलायत बीकानेर, पैर पिचोला उदयपुर, डसा है ये डसा है अपने आप में साइलेंट है, इसलिए ये 12 झीलें हैं जो कि राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलों की ट्रिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर के, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की ट्रिक हो जाएगी कि रूपा साब काम गगरी। क्या हो जाएगा? रूपा साब काम गगरी। ये जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। रूपा मतलब रूपा रेल हो जाएगा, साब सांबी हो जाएगा, का कांतली हो जाएगा, रूपा साब काम, और का कांकनी हो जाएगा, म का हो जाएगा मेथा, और गगरी का हो जाएगा घगर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों की बात करें सलमा जा जब भानमती सो जाए। क्या हो जाएगी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो अरब सागर के अंदर की ट्रिक हो जाएगी सलमा जा जब भानमती सो जाए। स का अर्थ हो जाएगा साबरमती, सलमा ल यानी लूणी, मा यानी माही, जा जखम, ज जब ज का जवाई, ब यानी बनास हो जाएगा, भानमती सो जाए, भान फा का हो जाएगा भारत पूंजा, भानमती न नर्मदा, म मांडवी हो जाएगा, भानमती ती का ताप्ती हो जाएगा, सो जाए सो यानी सो, और जा यानी जोजड़ी हो जाएगा। ये जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक हैं कि सलमा जा जब भानमती सो जाए। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर इसकी ट्रिक हो जाएगी कि गंगो का स्वर्ण पैन कब विमा। गंगो ग का अर्थ गंगा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, का यानी कावेरी हो जाएगा, स्वर्ण पैन स्वर्ण स्वर्ण रेखा, पैन का पेनार हो जाएगा, और कब विमा क का कृष्णा हो जाएगा, ब का बामनी हो जाएगा, वी यानी
वेगई नदी है और माँ का महानदी हो जाएगा। जो ये ट्रिक दे रखी है गंगों का स्वर्ण पैन कब विमा, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियाँ हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो सिंधु के अंदर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, साजा सेराव, कौन कौन सी हैं, साजा सेराव के सिंधु के अंदर कौन कौन सी नदियाँ मिलती, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी साजा सेराव, सा का सतलुज हो जाएगा, जा का झेलम हो जाएगा, चेराव चैन चेनाब हो जाएगा, और उसके बाद में रा का रावी हो जाएगा, व का व्यास हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लूनी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, लूनी का प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो अपना जाबांज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना जाबांज, अपना अ का यहाँ पर अजमेर हो जाता है, प पाली हो जाएगा, अपना ना यानी नागौर हो जाएगा, और जाबांज जा का जालौर हो जाएगा, बाड़मेर और जोधपुर, जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ, अजमेर पाली नागौर जालौर बाड़मेर और जोधपुर हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं उसको याद करने की ट्रिक कौन कौन सी हैं, तो लूनी की सहायक नदियों को आपको याद करना है तो ट्रिक हो जाएगी जल में जो सूखा बांस सा है, कि जल में जो सूखा बांस सा है, जल ज यानी जवाई, ल यानी लीलरी, में मीठरी, जो जल में जो का जोजरी हो जाएगा, सूखा सूखा मतलब सुकड़ी हो जाएगा, और बांडी स का सगई हो जाएगा, और सा का सागी हो जाएगा, टोटल है 8 नदियाँ हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल की सहायक नदियों की ट्रिक हो जाएगी अब पानी में आलू बनाकर पका दो, अब पानी में आलू बनाकर पका दो, अब अ यानी आउ, ब बामनी हो जाएगा, पा पार्वती हो जाएगा, नी निजाम हो जाएगा, मैं मेज हो जाएगा, और आलू अलूनिया हो जाएगा, बना बनास हो जाएगा, बना कर पका दो, बना कर पका दो, कर का कुराल हो जाएगा, प का दो प यानी परवन, और का काली सिंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संबल का राजस्थान में प्रवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो संबल का जो राजस्थान के अंदर प्रवास क्षेत्र है उसकी ट्रिक है चंबल का प्रवास क्षेत्र, शशि को बुक दो, क्या है, शशि को बुक दो, च यानी स्वाई माधेपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, को यानी कोटा हो जाएगा, और बुक बू का बूंदी हो जाएगा, क करौली हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंबल नदी के किनारे राजस्थान के शहर कौन कौन जाते हैं, तो चंबल नदी के किनारे राजस्थान के शहर, चंबल में भैंस के केस, किसमें, चंबल में भैंस के केस, तो संबल चंबल इन चंबल ही होता है, तो संबल नदी के किनारे जो शहर है कौन कौन से हैं, चंबल में भैंस के केस, यहाँ पर भैंस यानी भैंस रोडगढ़ हो जाता है, के यानी कोटा हो जाता है, और केस का हो जाएगा केसो राय पाटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बनास नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो बनास नदी में राजस्थान का प्रवाह क्षेत्र है, इसकी ट्रिक हो जाएगी अभी 400 ऊंट लो, क्या हो जाएगा, अभी 400 ऊंट लो, अब अजमेर हो जाएगा, भी भीलवाड़ा हो जाएगा, चार चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, र राजमंद हो जाएगा, चार चो छो यानी चौई मधेपुर, ऊंट लाओ, ओ का उदयपुर हो जाएगा, ट टॉक हो जाएगा, लाओ है यहाँ पर साइलेंट रहता है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बनास की सहायक नदियाँ याद करने की ट्रिक है कि बेगम के मामे को मोर खा गया, क्या हो गया, बेगम के मामे को मोर खा गया, ये बनास की सहायक नदियाँ हैं, किसकी, बनास की सहायक नदियाँ, बेगम के मामे को मोर खा गया, यहाँ पर बेगम बे का बेडस हो जाएगा, गम गंभीरी हो जाएगा, बेगम के कोठारी, माँ माँ का मानछी हो जाएगा, माँ मे माम में यानी मैनाल, और को का काली सिंध हो जाएगा, मोर यानी मोरेल हो जाएगा, और खा का क्या हो जाएगा, खारी हो जाएगा। अगला दे रखा है कि बनास नदी के किनारे राजस्थान के शहर कौन कौन से हैं, तो बनास नदी के किनारे राजस्थान के शहर है 20 टन बनास, क्या है, 20 टन बनास, तो 20 टन, स यानी सवा यानी सवाई माधेपुर हो जाएगा, बीस बिसलपुर हो जाएगा, टन ट यानी टॉक, और न का तो है नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो माही की सहायक नदियाँ हैं सोजा माही सुपचाप, अब कौन कौन सी है, सोजा माही सुपचाप, अब तो छो जा सो यानी सो, जा यानी जखम, माई माँ यानी मोरेन, ई यानी इरू हो जाएगा, चुप चाप चुप यहाँ पर साइलेंट रहता है, चाप का चाप हो जाएगा, अब यानी अनास हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं आपनी, काली सिंध तो आपनी, काली सिंध की सहायक नदियाँ आपने, आ का अव हो जाएगा, प प का प्रवन हो जाएगा, और नी का निमाच हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा तीन या नाता, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा तीन या नाता, ती
ती का ताप्ती हो जाएगा और ती न न यानी नर्मदा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो घग्गर नदी के किनारे हसुआ शहर बसा। कौन सा बसा है? हसुआ। अ का अर्थ होता है हनुमानगढ़, सु यानी सूरतगढ़ और आ का हो जाएगा अनूपगढ़। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर के, जवाई नदी के किनारे राजस्थान के कौन कौन सी शहर हैं, तो जवाई नदी के किनारे राजस्थान के शहर सवाई जवाई सुमेरगंज जा। जवाई नदी के किनारे कौन से? जवाई सुमेरगंज जा। सुमेरगंज, सुमेर यानी सुमेरपुर हो जाएगा, गंज यानी शिवगंज हो जाएगा, जा का अर्थ होता है जालौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी वे नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसकी ट्रिक है तीन मास। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तीन मास, तीन मास। ती यानी ताप्ती नदी, न यानी नर्मदा और मा का अर्थ होता है माही नदी, स का अर्थ होता है साबरमती नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंधु नदी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु में व्यास्को झेलम का चयन राष्ट्र नहीं आया। व्यास्को झेलम का चयन राष्ट्र नहीं आया, व्यास का व्यास हो जाएगा, झेलम का झेलम हो जाएगा, चयन का सिनाब हो जाएगा और राच रा का रावी हो जाएगा, स का चतलुज हो जाएगा, नहीं आया यहाँ पर साइलेंट रहेगा। और अगला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा नदी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी गंगा नदी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, राम को यशोदा सा कंगन चाहिए। क्या चाहिए? राम को यशोदा सा कंगन चाहिए। रा यानी राम गंगा, म महानंदा, को कोसी, यशोदा य यमुना, शो का हो जाएगा सोन और दा का दामोदर हो जाएगा, सा कंगन चाहिए कंगन, सा का शारदा हो जाएगा, क का करनाली हो जाएगा, गन का गंडक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, तो चंबल नदी पर गांधी जी की कार चलती है, हाँ चंबल नदी पर गांधी जी की कार चलती है, गांधी जी की कार, गांधी यानी गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान व एमपी की सीमा पर है। और का कोटा बैराज हो जाएगा कोटा, और र का राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।